अस्सलामुअलैकुम, कुक विद कुक में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी फुल क्रीम 3 kg मिल्क। अब दूध को थोड़ा सा गर्म होने तक पकाएंगे। मैंने फुल क्रीम रेगुलर मिल्क डाला है, आप पैकिंग वाला भी डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने हाई पे रखा है ताकि ये दूध जो है वो जल्द से जल्द गर्म हो जाए। उम्मीद है मेरी रेसिपी से अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब दूध हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें मैंने, ये देखिए, 1 tablespoon मैंने इलायचियाँ ली हैं, उन्हें मैंने बीज निकाल के इनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया, तो ये डाल देते हैं। साथ मैंने 1.5 cup चीनी ले ली है, अभी इसे शामिल करेंगे, फिर एंड में टेस्ट करेंगे और अगर आपको मज़ीद चीनी चाहिए हो तो आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं 1.5 cup डालूँगी। 4 tablespoon मैंने क्रश्ड कोकोनट ले लिए, वो डाल रही हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट हो गए तो ये देखिए दूध हमारा बॉयल होने शुरू हो गया और इसमें इलायची जो है वो पक रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज में मैं ये गाजर डालूंगी। ये 1.5 kg मैंने गाजर ले लिए, इनको मैंने छीला है और धोया है बहुत अच्छी तरह से और मैंने इनको क्रश कर लिया। इसमें 1 cup आप क्रीम डालेंगे। ये मैंने रेगुलर क्रीम ली है, आपके पैकिंग में तो पैक वाली डाल दें। अच्छा सा मिक्स करेंगे। एक टीस्पून इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दूध को बॉयल आ गया, तो अब हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये दूध बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। ये सारा दूध हमने खुश्क करना है। इसमें फ्लेम को हम मीडियम पे कर लेंगे ताकि ये दूध नीचे ना गिरे और चम्मच वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे। ये देखें यहाँ पे अब इसका दूध थोड़ा सा ड्राई हुआ है तो मैंने फ्लेम को हाई कर दिए। बस आपने साथ साथ वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। देखा, अब इसमें काफ़ी पानी ड्राई हो गए तो बस अब जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता तब तक हमने इसमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाना है, साथ साथ देखना है, साथ साथ चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर थोड़ा सा भी नीचे लग गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और अगर आपने गजरेले में खोया ऐड करना है तो आपने दूध की क्वांटिटी कम कर देनी है। जैसे 2 kilo गाजरे हैं तो उसमें आपने 1 kilo दूध डालना है और साथ 250 g खोया डालना है। ये देखिए इसमें मैंने खोया नहीं डाला, लेकिन इसकी लुक देखें कैसी ज़बरदस्त
क्योंकि मैंने दूध ज़्यादा डाला है और उस दूध को इसके अंदर ड्राई किया, तो ये बिल्कुल लुक ऐसी है जैसे इसके अंदर मैंने खोया डाला हो। बस अब इसे गार्निश करेंगे। ये देखिए ये रेडी है मेरा बहुत ही मज़ेदार और हर दिल अजीज गर्मा गर्म गजरेला। आप बनाएं, इसे ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बनाने में और खाने में मेरे रेसिपी का बना हुआ गजरेला कैसा लगा है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।